हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई एफ राव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 5 जून करंट अफेयर। 5 जून में जो भी देश या विदेश के अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई होंगी उनको आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिश हमारी यही रहती है कि हम आपके लिए वो सारी घटनाएं लेके आएँ जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आने की होती है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, दिन भर में कई घटनाएं देश विदेश में घटित होती हैं, लेकिन सभी हमारी उनमें नहीं आती हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर। तो आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम वही यहाँ पर वीडियो में सम्मिलित करते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में भारत की सार्वेन यानी राष्ट्रीय रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है। तो हाल ही में देखिए, ये रेटिंग एजेंसी होती है मूडीज, जिसने हाल ही में भारत की रेटिंग घटाई है। तो पहले हम अपने चार ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ए Baa3, बी Baa, ए सी है Baa4 और डी है Baa5। तो सही उत्तर आपको बताना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर सही उत्तर क्या है। तो आपने गैस कर लिया होगा। चलिए, सही उत्तर है यहाँ पर ए Baa3। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मूडीज जो कि एक रेटिंग एजेंसी है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना सन 1909 में जॉन मूडीज के द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये Baa2 से घटाकर Baa3 कर दी गई है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो Baa3 इस समय हुई है, इसको आप कह सकते हैं कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, या यूं कहें कि इन्वेस्टमेंट की सबसे निचले स्तर की रेटिंग मानी जाती है Baa3, जो कि एक तरह से नेगेटिव आउटलेट को दिखाती है। भारत के समय राजकोषीय स्थिति अच्छी ना होने के कारण ये मूडीज कंपनी ने फैसला किया है भारत की रेटिंग घटाने का। ठीक है फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं इस समय भारत COVID-19 महामारी से ग्रसित है, जिसमें राजकोषीय घाटा भारत का ज़्यादा हो चुका है। उस वजह से भारत की यहाँ पर रेटिंग कम कर दी गई है फ्रेंड्स। तो Baa2 से घटाकर Baa3 भारत की रेटिंग हो चुकी है इस समय, जो कि एक नेगेटिव आउटलेट दर्शाता है भारत के प्रति। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं हम फ्रेंड्स। कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर आपके सामने ये चार ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स। ए राम नरेश अग्रवाल, बी मोहम्मद अब्दुल खान, सी मीनाक्षी और डी CV जॉर्ज। तो सही उत्तर आपको बताना है फ्रेंड्स, आप सबको गैस करना है अपने। तो सही उत्तर आप सबने गैस कर लिया होगा। चलिए, हम यहाँ बता देते हैं आपको, डी CV जॉर्ज फ्रेंड्स। चलिए हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे CV जॉर्ज फ्रेंड्स 1993 बैच के IFS ऑफिसर रहे हैं CV जॉर्ज, जो कि अब वर्तमान में कुवैत में नियुक्त होंगे। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, यह जिस देश में नियुक्त थे वो थे स्विट्जरलैंड। ये इस समय स्विट्जरलैंड में नियुक्त थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो CV जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी
सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। तो सही उत्तर आप सबके सामने यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स, ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। तो सही आपको गैस करना है फ्रेंड्स, सही ऑप्शन है आपका सी तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम मैं आपको गैस करने के लिए देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप भी अच्छे से गैस कर अपना उत्तर लगा सकें। चलिए तमिलनाडु के बारे में हम जान लेंगे थोड़ा सा फ्रेंड्स। तमिलनाडु का आप ये नक्शा देख ही रहे होंगे इस समय अपनी स्क्रीन पर, ये तमिलनाडु का नक्शा है, जो कि भारत के निचले या आप कह सकते हैं साउथ की तरफ होता है। राजधानी आप सब जानते हैं तमिलनाडु की, चेन्नई, और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के पालनी स्वामी, ठीक है फ्रेंड्स, और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। ये भी फ्रेंड्स एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हमको पता भी होनी चाहिए, और यदि एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं तो हमारा ये उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आपके साथ ये डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? ठीक है फ्रेंड्स, कोविड-19 की जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं स्क्रीन पर, ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। तो सही आपको गैस करना है फ्रेंड्स, चलिए आप सबने गैस कर लिया होगा, तो सही उत्तर है आपका ए पंजाब। ठीक है फ्रेंड्स, कोविड-19 से जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह की शुरुआत पंजाब राज्य ने कर दी है फ्रेंड्स, मिशन फतेह पंजाब। इस समय आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे पंजाब का नक्शा। पंजाब की राजधानी जैसा कि आप सब जानते होंगे चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल बिजेंद्र पाल सिंह बदनौर, ठीक है, इनकी भी जानकारी हम सबको होनी चाहिए जैसा कि आप सब जानते ही हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने गीतकार का हाल ही में निधन हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सबने ये फिल्म जरूर देखी होगी खिलाड़ी, और गाना भी जरूर सुना होगा वादा रहा सनम। तो उनका क्या नाम है जो हाल ही में जिनका निधन हो गया गीतकार का? ए अनवर सागर, बी सागर शर्मा, सी अशोक मालवीय और डी तीरथ सिंह। तो सही उत्तर आप सबने गैस कर लिया होगा फ्रेंड्स, सही उत्तर है ए अनवर सागर, जिन्होंने फिल्म खिलाड़ी में ये गाना लिखा था वादा रहा सनम। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सबने ये फिल्म देखी हो, अक्षय कुमार के द्वारा अभिनीत ये फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार ने एक्टिंग की थी फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट अपना देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दी है फ्रेंड्स? ठीक है, तो किस पोर्ट का नाम बदला है केंद्र सरकार ने? तो ऑप्शन आपके सामने चार दे रखे हैं, ए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, बी तमिलनाडु पोर्ट ट्रस्ट, सी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट और डी गुजरात पोर्ट ट्रस्ट। तो सही उत्तर आप सब अपना गैस कर रहे होंगे फ्रेंड्स, जी सही उत्तर है आपका सी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट अपना यहाँ हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं फ्रेंड्स, ए सुधीर चौधरी, बी रविश कुमार, सी रजत शर्मा, डी धर्मेंद्र गौतम।
तो चारों में से आपने अपना ऑप्शन सही गैस कर लिया होगा फ्रेंड्स। सही ऑप्शन है बी रविश कुमार। देखिए फ्रेंड्स, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, रविश कुमार जी के बारे में। रविश कुमार जी 1995 बैच के IFS अधिकारी रहे हैं फ्रेंड्स। फिलहाल ये भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं फ्रेंड्स, जो कि अब नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। ठीक है, आप सबने आई होप इनको ज़रूर देखा होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो कौन सा वो देश हो सकता है फ्रेंड्स? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी पाकिस्तान और डी भारत। तो आपको अपना सही उत्तर गैस करना है फ्रेंड्स। आई होप आप सबने अब तक गैस कर लिया होगा। सही उत्तर है फ्रेंड्स बी अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगा दिया है फ्रेंड्स। चलिए अमेरिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम कर लेते हैं। राष्ट्रपति इस समय डोनाल्ड ट्रंप, राजधानी वाशिंगटन DC और मुद्रा अमेरिकी डॉलर, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट अपना यहाँ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं फ्रेंड्स। ए उदय कोटक, बी नीरज शर्मा, सी राधेश्याम बिहारी और डी राजीव शर्मा। तो सही उत्तर आप सब अपना गैस कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए सही उत्तर हम आपको बता देते हैं, ए उदय कोटक। उदय कोटक को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है। उदय कोटक को आप कोटक महिंद्रा, आपने नाम सुना होगा फ्रेंड्स, कोटक महिंद्रा बैंक के ये प्रबंध निदेशक हैं फ्रेंड्स। प्रबंध निदेशक, ठीक है, इन्हीं को हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स, उदय कोटक। नेक्स्ट अपना हम क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अमेरिका में यूजर की सूचना एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? अमेरिका में यूजर्स की सूचना एकत्र करने के आरोप में फ्रेंड्स गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है फ्रेंड्स, या मुकदमा किया गया है फ्रेंड्स? तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ए 6 अरब, बी 4 अरब, सी 5 अरब और डी 7 अरब। तो सही उत्तर आपको गैस करना है फ्रेंड्स। सही उत्तर है इसका सी 5 अरब। 5 अरब का मुकदमा गूगल पर किया गया है अमेरिका में यूजर्स की सूचनाओं एकत्र करने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चंस आपकी मदद करेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।